बहुत इमरजेंसी में हम लोगों को आना पड़ा डॉक्टर के पास, तो देखते रहिए। ये एनसीबी टेस्ट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन को पता करने के लिए, कितने परसेंटेज में ब्लड सर्कुलर हो रहा है बॉडी में। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं अभी सिचुएशन। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं, कुछ रिपोर्ट कराना है हमें। डॉक्टर ने टेस्ट दिया है काफ़ी सारा, तो सारा टेस्ट करके उसका रिपोर्ट लेना है। तो देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो देखिए ये बैठी है यहाँ पे कुर्सी पे, इसका ब्लड का जितने भी टेस्ट था सारे ब्लड कलेक्ट हो गया है। अब मैं लाइन में लगा हूँ, कुछ पेमेंट का है इशू, तो पेमेंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए, अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा। डॉक्टर साहब मुझे ये दिखा रहे हैं, ये देखिए इन्फेक्शन है पेट के अंदर और पथरी भी है, ये मुझे दिखा रहे हैं। और ये रिपोर्ट तो निकलेगा ही, फोटो इमेज ये देखिए। तो हो गया है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट हो गया है, और भी कुछ रिपोर्ट है। तो मेरे मिसेस ने अब सुबह से कुछ नहीं खाई है, तबीयत तो बहुत ढीला पड़ गया है। अब इनको ले जाता हूँ मैं कुछ खाना खिलाने के लिए। देखता हूँ यहाँ बगल में रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में पहुँच गए। ये अब चल भी नहीं पा रही है, सर बहुत घूम रहा है और पेन तो हो ही रहा है बहुत। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया 2 आलू पेटिस का, क्योंकि सुबह से वो खाई नहीं है ये अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो देखो ये मेरा पैटिस ले लिया मैंने, अब एक खा रही है पैटिस। पैटिस खाने के बाद मैंने ये लस्सी ला के दिया, यहाँ का लस्सी सही रहता है। तो देखो अब तो यहाँ पे खाना पीना हो गया, अब हमें जाना पड़ेगा बहुत दूर, और भी बहुत सारा टेस्ट है, जैसे ब्रेन का MRI है, स्पाइन का MRI है। तो ये सब MRI के लिए वहाँ से गाड़ी आ गया है, गाड़ी से हम जा रहे हैं अभी। तो ये द्वारिका में है, यहाँ से बहुत डिस्टेंस है, तो ये बैठ भी नहीं पा रही है ढंग से, शरीर में तो थकान है ही और पेन हो रहा है बहुत, और रोड भी सही नहीं है, आगे से फ्लाईओवर बन रहा है तो बैठने में भी इसको बहुत तकलीफ़ हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रोड तो बन रहा है, थोड़ा सा आगे जाके बहुत ख़राब मिला था रोड, तो इसको प्रॉब्लम भी हो रहा था। अब यहाँ से ज़्यादा दूर में भी नहीं है, पास में है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ से 10 किलोमीटर है, और तो वहाँ पे पहुँचते हैं। और दिल्ली शहर में तो आपको पता है यहाँ का जो ट्रैफिक है, ये बहुत ट्रैफिक रहता है रोड पे, ये देख रहे हैं आई लव दिल्ली। MRI सेंटर आप पहुँच भी गए, हम लोग MRI सेंटर में गाड़ी छोड़ दिया यहाँ पे, ऑर्बिट प्लस है ये। तो देखिए जा रही है अंदर, अब मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, वहाँ पे दिखाया जो मुझे ये रिपोर्ट करना है ये है। तो अब देखो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो मैं रिसेप्शन में जमा किया, उसके बाद पेमेंट भी करना होगा मुझे अभी। अब ये MRI सेंटर के अंदर जाएगी, ये जाने से पहले गाउन पहन ली है। तो देखिए अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, मैं भी अंदर जाऊँगा अभी, तो फ़ोन तो अलाउ नहीं है, वीडियो कैसे बनाए, तो इसलिए फ़ोन बाहर रखना पड़ा। अब MRI तो हो गया है, MRI होने के बाद ये आके ड्रेस चेंज कर लिए, गाउन चेंज कर लिए हैं। आप चेंज करने के बाद बाल वाल जो भी है वो कर लिया है। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, दोबारा से हमें वहीं जाना है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो गाड़ी आ गया है, यहाँ पे बैठने का सीट भी सही से नहीं है, तो यहाँ पे पहुँच गए ऑलरेडी। अब पहुँचने के बाद ये NCV हो रहा है टेस्ट। ये एक्चुअली में क्या है, ये इलेक्ट्रिक शॉक है, तो देख पा रहे हैं आप सब, यहाँ पे बिजली का 2 तार लगा हुआ है और उस मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक दे के पता किया जा रहा है जो नस में कितना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है।
तो ये सारे टेस्ट दिया है, बहुत शरीर में प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ने बहुत सारा टेस्ट दे दिया है। लाइफ में पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, और इसे तो पता भी नहीं था जो एनसीबी कैसे होते, तो बहुत डर के मारे मैं इस साइड में हूँ, तो ये बहुत डर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया, अब राइट हैंड का हो रहा है, इसके बाद लेग का भी होगा, दोनों लेग का। अब देखिए ये एक एक करके तार लगाया जा रहा है, उसके बाद उस मशीन के थ्रू इसको शॉक दिया जाएगा। शॉक से पता होगा जो कितना आपका ब्लड सर्कुलेशन है हो रहा है। ये देखिए इस मशीन से यहाँ पे परसेंटेज दिया जाता है, कितने परसेंट पे देखना है, देख रहे हैं कि कैसे फील हो रहा है। आप दोनों हाथ का हो गया, अब दोनों पैर का सेम तरीके से ही होगा यहाँ पे, तो बहुत डर रही है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और हो सके तो थोड़ा भगवान के पास प्रे करना ताकि थोड़ा जल्दी सही हो जाए। अब देखिए दोनों तार तो लगा दिया गया है, अब इस मशीन से फिर से वही चेक किया जाएगा। बहुत मतलब बहुत उस टाइप से लग रहा है। अब ये हो गया था दोनों पैर का, उसके बाद डॉक्टर साहब बैठे हैं सारे रिपोर्ट निकालने के लिए। हो गया है रिपोर्ट इनका, और MRI का जो रिपोर्ट है वो आया नहीं, अभी प्लेट दे दिए हैं, प्लेट से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे सब कुछ टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अब जिस एम्बुलेंस से आए थे उस एम्बुलेंस से नहीं जाएंगे, हमारे घर पास में ही है तो गाड़ी से ही चले जाएंगे, लाइन गाड़ी से ही। तो देखिए अब ऑलरेडी ये गाड़ी में बैठ के मैं भी बैठ जाऊँगा अभी, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, तो रिपोर्ट शाम तक आएगा। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो देखते हैं। और ये तो बहुत थक गई है, अब आके सो भी गई। अब रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में क्या है हम आपको बताएंगे, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। रिपोर्ट का जो रिजल्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे।